हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है मलाई में से पनीर। और ये अपना पनीर बन के रेडी है। ये फ्रीजर में स्टोर की हुई मलाई को 24 घंटे पहले मैंने निकाल दिया और इसके अंदर दही डाल दिया था। और अब इसको मैं सीधा ही गैस पे रख के गरम करके घी निकालूंगी। तो इसको अपने गैस पे रख देते हैं। ये अब अपना मलाई में से घी तो सेपरेट होना शुरू हो गया है, पर इसके पहले ये गरम होने के बाद ये देखिए, ये जो निकला है ये पनीर है। इसको पहले छान लेते हैं ताकि अपने पनीर भी यूज कर सके और ज़्यादा पनीर सख्त भी ना हो जाए। तो पहले तो इसको छान के और ये फिर जो पानी बचेगा उसको उबालेंगे तो उसमें से घी निकलेगा। पहले इसको छानते हैं। ये अब अपने इसको धीरे धीरे छान लेते हैं और ये पनीर को सेपरेट करके, ये तो अपना प्रॉपर पनीर बन ही गया है। तो इसको सेट होने के लिए रख देते हैं पनीर को। तो ये पनीर को सेट करने के लिए मेरे पास इस तरह से पनीर मोल्ड है, तो इस तरह से आता है। तो ये और इसके अंदर ये इस तरह से एक जाली रख देने की, इसके अंदर पनीर डाल देंगे और उसके ऊपर ये ढक्कन लगा के उसके ऊपर कुछ हैवी चीज़ रख देंगे। और ये पनीर के मोल्ड में मैंने जो अपने पनीर बना है वो डाल दिया है। इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं और अब इसके ऊपर ये ढक्कन लगा के इसके ऊपर वजन रख देते हैं। और ये पनीर मोल्ड के ऊपर मैंने इस तरह से ये खाल होता है वो रख दिया है, हैवी है। और ये इस तरह से तो लगभग 1-2 किलो का वजन बना के इस तरह से सेट होने के लिए रख दिया है। अब सेट हो जाएगा, 1 घंटे के लिए होने देते हैं सेट। ना पनीर सेट होने के लिए रखा था, 1 घंटा हो गया। ये उतारा लगभग 2 किलो के करीब इसका मैंने वजन रखा था। और ये देखिए पनीर सेट हो गया है। अब इसके डीमोल्ड करके पीसीस करते हैं। इसको कर देंगे पहले उल्टा और ये जो जाली है इसको हटाएंगे, नीचे प्रेस कर देंगे। और इसके बाद ये इसके ऊपर से ये ले लिया। ये देखिए बढ़िया सा अपना पनीर सेट होके रेडी हो गया है। अब इसके करते हैं पीसीस। और घी के साथ साथ अपने को ये बाय प्रोडक्ट है, ये बढ़िया सा मलाई पनीर भी मिला है। ये बढ़िया सा अपना पनीर बन के हो गया है रेडी। बस इसको अब सब्जी बनाएंगे। इसको आप फ्रीजर में भी स्टोर करके रखते हैं, प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर में, 1 महीने तक खराब नहीं होगा। रेडी है अपना पनीर। ये सीधे मलाई में से घी और उसकी बाय प्रोडक्ट मलाई पनीर बन के रेडी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।